welcome back to my channel Success Engineering Official. आज हम देखेंगे how to place the component dining, bed, table, chair, then different types of component how to place in this each space. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट प्लेस करने के लिए आपको जाना है आर्किटेक्चरल टैब में। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस है कंपोनेंट। देन सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग डाउन बटन पे क्लिक करना है, प्लेस है कंपोनेंट। देन आपको यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, लोड फैमिली। फिर आपको यहाँ पे जाना है फर्नीचर। फर्नीचर में आपको बेड जो भी चाहिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे हम। नेम बेड सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड टाइप्स ऑफ बेड देन सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये बेड ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में लोड हो चुका है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड ऑलरेडी लोड हो चुका है। तो इसको प्लेस करने के लिए सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देना है इच रूम्स में। रोटेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और स्पेस बटन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी रोटेट हो रहा है। तो यहाँ भी एक प्लेस कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे लेना पड़ेगा क्योंकि वॉल प्लेस नहीं कर सकते। देन अगेन सेलेक्ट कंपोनेंट, प्लेस कंपोनेंट। देन ऑलरेडी बेड सेलेक्ट है यहाँ पे, दूसरा ले लेते हैं, ये वाला बेड ले लेते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अभी आपको सोफा चाहिए डाइनिंग सेट, इसको हम सेलेक्ट करके इसको हाइड कर लेंगे। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, देन हाइड इन व्यू, हाइड कैटेगरी। अब देख सकते हैं ये हाइड हो चुका है। अभी आपको डाइनिंग टेबल चाहिए तो सिंपली यहाँ पे जाना है कंपोनेंट में, जैसे कंपोनेंट में लोड फैमिली, आपको यहाँ पे बैग जाना है। देन यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल दिया हुआ है फैमिलीज। सिंपली डाइनिंग टेबल को सेलेक्ट करना है, जो जो आपको चाहिए सिंपली सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन कर लेंगे इसको। ओपन करने के बाद ये लोड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये लोड हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में। तो यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे सिंपली इसको प्लेस कर लेना है। अभी आपको सोफा चाहिए तो सोफा के लिए आपको अगेन यहाँ पे प्लेस कंपोनेंट, प्लेस कंपोनेंट, देन लोड फैमिली। यहाँ से आपको जाना है बैग। बैग जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं सीटिंग, आपको जाना है सिंपली सीटिंग में। सीटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सोफा सोफा लोड कर लेना है। देन आप ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सोफा प्रॉपर्टीज पैनल में लोड हो चुका है। तो यहाँ
यहां से आप सोफा सेलेक्ट करना है। सोफा सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे लेयर स्केल बनाना है, बेडरूम में भी प्लेस के लिए इसको रोटेट करने के लिए सिंपली आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर को प्लेस कर लिया है। तो इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। यहाँ से 3D व्यू में ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिंपली स्कोप बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको थोड़ा ड्रैग करना है नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी डाइनिंग टेबल, यहाँ पे बेड, सोफा, और देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो